वन यहाँ से पढ़ना बेटा अपने स्टार्टिंग से। हाँ जी मैम हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में, फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों की को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फक फक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक भी व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, और अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी ही वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने द्यासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम दुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। खजून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे का के मरने पर तेरे दिन का सूतक होता है, और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों में पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास और बच्चे अपने आप को ना अनम्यूट पे लगाओ, उसके बाद पढ़ना। हाँ जी पढ़े मैम। हाँ जी पढ़ो बेटा। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना में लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु
मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों में छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या लड़के थे, सुबह उठते ही भूख से बिल बिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को धूनी चवनी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फक फक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। रहाए रे पत्थर दिल, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने के अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे, हर दम सिर पर बर्फ रखी आ जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते थे हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं जा रहा था, सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मैं पढ़ दिया इस पाठ को, आपने पढ़ दिया, ये समझ आ गया आपको पढ़ के क्या बताया गया इस पाठ में? मैम यस। हाँ जी, क्या बताया बेटा? पहले आप बताओगे उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या था इसमें। हाँ जी बोलो बेटा। ओके मैम। मैम बाजार में, मैम फुटपाथ पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी मैम खरबूजे बेचने के लिए, और मैम लोग उससे ताने दे रहे थे क्योंकि उसके बेटे को मरे हुए मैम एक दिन भी नहीं हुआ था। और मैम जो लड़का कोई कह रहा था कि इसे तो धर्मीमान का भी ख्याल नहीं है, और मैम कोई कुछ कह रहा था। फिर उसका जो लड़का था मैम वो 1.5 बीघा पर, मतलब वो खेती करता था 1.5 बीघा पर, और मैम वो उसकी जो माँ थी वो मैम जो बुढ़िया थी वो मैम खरबूजे बेचा करती थी। कभी उसका लड़का बैठ जाया करता था खरबूजे बेचने के लिए, कभी वो। उसकी मौत में सांप, जब वो मतलब खरबूजे तोड़कर विश्राम कर रहा था मैम, फिर एक सांप ने उसे डस लिया था, इसलिए उसकी मौत हो गई थी मैम। उसके बाद बेटा उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया था मैम। चलो मैं बताती हूँ बच्चे इसमें क्या बताया। बेटा एक लेखक था यशपाल, ये गद उन्होंने लिखा हुआ बच्चे, ठीक है। इस गद में यशपाल जो लेखक है उन्होंने क्या बताया, एक ऐसी महिला की व्यथा बताई है जिसके बेटे की मौत हो जाती है, किसकी वजह से, एक सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, ठीक है बेटा। तो वो अपनी जीविका को बड़े अच्छे ढंग से चलाता था। एक दिन हुआ क्या कि वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो एक सांप आया, उस सांप ने उसे काट लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बाबा, एक ओझा जो झाड़ा फूसा वाला होता है ना, ठीक है, एक बाबा को बुलाया
जो उसे जाट-पूस की वजह से वो ठीक हो सकता था, उनको ऐसा लगता था, ठीक है, जो उनकी माता थी उसको ऐसा लगता था माँ को कि वह ठीक हो जाएगा। तो उनके यहाँ जाड़ा पूसा देने वाला जब आया तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी उनके पास पैसा पड़ा था या आटा, जितना भी उनके पास आटा कपड़े जो भी पड़ा था उन्होंने उसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद भी कुछ ना हुआ, क्यों? क्योंकि उसका सांप की काटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी पहले, ठीक है। तो क्या हुआ कि सब कुछ उनका जितना भी पड़ा था वो उसी में चला गया, लेकिन भगवाना ठीक ना हुआ। भगवाना उसके बेटे का नाम था, भगवाना को लिपट के वे आंसू बहाने लगे, बहुत गम उन्होंने दिखाया। तो क्या हुआ कि उसके बाद जब वे थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि सब कुछ उसी बाबा उसी ओझा को देने की वजह से उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। एक डंग वे सोचते थे कि उनकी जीविका अब कैसे चल सकेगी। तो उसकी बूढ़ी माँ ने क्या किया कि वह अपना सौदा बेचने उठ जाने लगी, तो लोग उसकी बातें बनाने लगे कि इसका बेटा, इसके बेटे की कल ही तो अभी मौत हुई है, ये आज यहाँ सौदा बेचने आ गई, ठीक है। इनको लोग कुछ ना कुछ बोलते जाते उसको, उनको कहते उस बुढ़िया को कहने लगे कि इसका कोई भी दीन ईमान नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है बेटा कि वह ना जो लोग थे वो उस बुढ़िया के कपड़ों पे कपड़ों को देख के उसका स्टेटस का अनुमान लगाने लगे, ठीक है, कि इसके पास ना तो कपड़े लगते हैं ना इसके पास कोई दीन ईमान है, ठीक है, कोई सोच समझ नहीं है इसको, यहाँ अभी कल ही इसके बेटे की मौत हुई है, अभी उसका शोक मनाने की बजाय यहाँ आके सौदा बेचने गई, ठीक है, दुकान लगा के यहाँ पे बैठ गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा कि उस बुढ़िया को ऐसे ही सभी सुनाते चले गए, किसी ने उस बुढ़िया की तकलीफ को ना समझा, ठीक है। तो लेखक ने जब एक ऐसी बुढ़िया को देखा तो उसे याद आई अपनी एक पड़ोस की महिला, ठीक है, उसके पड़ोस में भी उसने पिछले माह ही एक ऐसी बुढ़िया को देखा था जिसके बेटे की भी मौत हो जाती है, ठीक है, वो भी अपनी जीविका कमाने के लिए खुद वहां पे जाती है, ठीक है बच्चा। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों, वह लेखक बताता है कि उसने तो ऐसे ही कपड़ों को देख के स्टेटस का अनुमान लगाना स्टार्ट, उस लेखक का अनुमान लगाने लग गया। तो क्या बोलता है वो अंत में आके वे बोलता है कि शोक या गम मनाने का भी हक इनको नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी बोलता है कि सहूलियत चाहिए, दुखी होने के लिए भी लोगों से पहले पूछना पड़ेगा उसको, उसको दुखी होने का भी कोई हक नहीं है, ठीक है बेटा। जिसके पास जीविका कमाने के लिए कुछ नहीं होता, ढंग के कपड़े नहीं होते, तो वह बोलता है कि उस इंसान को, एक ऐसे इंसान को ना दुखी होने के लिए भी सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि वह दुखी, वह नहीं दिखा सकती थी अपना दुख, उसे जीविका कमाने के लिए तो आना ही पड़ना था पैसे कमाने के लिए बेटा, तभी कहाँ से कहीं से कुछ खाते वो, ठीक है। तो इसका लोगों ने क्या किया, उसको गलत समझा, उसको ऐसे सुना के कुछ ना कुछ सुनाते जाते, उनको इतना बोला कि वह उसके पास कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है, उसके बेटे की मौत का उसको कोई शोक नहीं है, ठीक है बच्चे। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? अपने आप को अनम्यूट पे लगा के बेटा बोलो। मैम यस। हाँ जी, पता चल गया बेटा इस गद में जशपाल ने क्या बताया था, लेखक ने बेटा क्या बताया कि ऐसे लोगों को जिनके पास जीविका कमाने के लिए पैसे नहीं होते, कोई कमाई नहीं होती, कमाई चलाने के लिए, तो कमाई के लिए तो उसे जाना ही पड़ना था बेटा, लेकिन उसको गलत समझा लोगों ने। लेखक बताता है कि ऐसे लोगों को शोक मनाने का, गम मनाने का, अपने बेटे के लिए शोक मनाने का भी, के लिए भी उनको सहूलियत चाहिए, ठीक है, दुखी होने के लिए भी उनको लोगों से पूछना पड़ेगा, ठीक है बेटा।
आगे हम इसकी बेटा वीडियो सुन